और कहते हैं गुरु भगवान का स्वरूप होता है, और जब भगवान को ही वेतन ना मिले तो भगवान का घर कैसे चलेगा। दरअसल तस्वीरों में आप जिन अतिथि शिक्षकों को देख रहे हैं उन्हें 3 माह से वेतन नहीं मिला है, जिससे मजबूर होकर अतिथि शिक्षकों ने सड़क पर धरना दिया है। मामला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले का है, जहां पर 3 माह से वेतन नहीं मिलने से नाराज अतिथि शिक्षकों ने विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के गेट पर धरना दिया। बता दें कि जिले के 452 अतिथि शिक्षकों को 3 माह से वेतन नहीं मिला है। वहीं अतिथि शिक्षकों का आरोप है कि हम 90 रुपये रोज किराया लगाकर ग्रामीण क्षेत्रों की स्कूलों में पढ़ाने जाते हैं, एक दिन स्कूल नहीं जाओ तो उस दिन का मानदेय यानी कि वेतन काट लिया जाता है। हर माह 9,000 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से हर माह आवंटन नहीं आने की बात कहते हुए 3-3 महीने तक का मानदेय यानी कि भुगतान वेतन नहीं मिल पा रहा है। अब तो हम परेशान हो चुके हैं, घर भी चलाना मुश्किल हो रहा है, इस कारण अपनी मांगों को लेकर धरना दिया गया है। हमारा वेतन नहीं हुआ पिछले चार महीने से, ये चौथा महीना मार्च का। अदरियापुर संकुल में हमने कई बार बोला भी है कि हमारी पेमेंट नहीं हुई है, उन्होंने बोला कि हाँ लगा देंगे और अभी तक के बिल लगा नहीं है। इस तरीके से लेट होते गया, चौथा महीना चल रहा हमारी पेमेंट। सर हम आज यहाँ BO कार्यालय में विवश होकर सारे अतिथि जिला बुरहानपुर के आए हैं। मौखिक रूप से इनको हमने फ़ोन से कई बार चेताया है, और जो उच्च हमारा विभाग है संचनालय वहाँ से हमारे लिए बार बार सारे ज़िलों के लिए वेतन की डिमांड के लिए लेटर आता है, लेकिन हमारे अपने ज़िले में हर बार हर महीने की यही आफत हो गई कि मतलब हमारा यहाँ से जानकारी नहीं जाती। और इन लोगों को बोलो तो कि हमने भेज दिया है, कब भेजा है, 3 तारीख को जानकारी मांगते हैं तो 24 तारीख को सर ये लोग भेजते हैं, और 80-80 रुपये 90-90 रुपये किराया लगा के हम लोग दूर दराज जाके पढ़ाते हैं 25-30 किलोमीटर पर। इन लोगों को बोलो तो कि आपका अलॉटमेंट नहीं आया है।